यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि जो इंडक्टर आपने लिया है 5 हेनरी का, वो कैरीज कर रहा है स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। उसके पास कैरी करने के लिए बस 2 एम्पियर का करंट है। हाउ कैन अ 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर दियर इन दियर इंडक्टर। तो अब यहाँ पे आपने जैसे फॉर्मूला, यहाँ पे आपने बोला कि ठीक है, आप फॉर्मूला लगा रहे हो, इंडक्टर दिया हुआ है, ये एल की वैल्यू दी हुई है, आपने फॉर्मूला बिल्कुल सीधा लगा। डी आई कहने का मतलब क्या हुआ? चेंज इन करंट। चेंज इन करंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 से 2 एम्पियर तक का चेंजेस आ रहा है, क्योंकि जो स्टेडी करंट है ना, ये स्टार्ट हो रही है 0 से और 2 एम्पियर तक गई है, उसके बाद उससे आगे नहीं, हार्डली 2 एम्पियर तक गई है। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हो, ये -2A लिखोगे आप, ध्यान रखना है वहां पे 2 माइनस 0 नहीं करेंगे, तो 0 माइनस 2 करोगे, जिससे -2 एम्पियर का आएगा। और ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी, वो ईएमएफ आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो ये 50 वोल्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई जो फॉर्मूला आप बोल रहे थे E=LdIdt सिर्फ लगाना है, तो फॉर्मूला आपने लगा दिया और ईएमएफ जो है वो 50 है, -L जो 5 दिया हुआ है आपके पास, इनटू -2/t, पूरे को सॉल्व करके आपके पास फाइनली T=0.2 सेकेंड की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है 50 वोल्ट की, वो जनरेट करता है, जनरेटेड बाय रिड्यूसिंग द करंट। रिड्यूस कहाँ से करंट हो रही है? रिड्यूस हो रही है मतलब रिड्यूसिंग द करंट टू जीरो, जीरो तक जा रही है करंट, और कितने समय में जा रही है? तो 0.2 सेकेंड में वो रिड्यूस हो रही है करंट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलेनोइड जो 50 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो लेंथ यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस है। इफ इट हैज 500 टर्न्स, तो जो भी चीज पहले दी हुई है उसको आप नोट कर लो। लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर की, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 0.5 मीटर। रेडियस ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर का, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, मतलब दैट मीन्स 2 × 10⁻²⁺ मीटर, या 0.02 मीटर भी आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी दिया हुआ है 500 टर्न्स, ठीक है। और जहां तक सवाल है, फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे एल इक्वल टू, जो फॉर्मूला लगे, चूंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस। एल का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में, म्यू नॉट, अभी मैंने देखा था वहां पे, मैंने जो इससे पहले वाले में जो डिस्कस कर रहा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर, और एरिया तो वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास दी हुई है, तो पाई आर स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया, अपॉन में एल। अब बात रह गई म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट इक्वल टू, आपको पता है ये होता है 4π × 10⁻²⁷, ठीक है ना। यूनिट में चाहो तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4π × 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 500 का है, स्क्वायर ऑफ दिस वन, इंटू पाए इंटू, और यहाँ पे जो रेडियस है 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻², स्क्वायर ऑफ दिस वन, ठीक है, अपॉन में लेंथ जो है वो लेंथ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो अपॉन लेंथ देख लो कितनी दी हुई है, 50, मतलब 0.5, तो 0.5। अब जब सॉल्व करके देखो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, ये लगभग 7.88 जो आप बोल रहे हो, तो उसको 8.9 भी आप लिख सकते हो, × 10⁻⁴ हेनरी, इतनी वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है ना। जैसा अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वैल्यू दी हुई है 8 × 10 पावर, यहाँ पे वैल्यू जो है इसको मैं लिख देता हूँ, 10⁻⁴ वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, इज लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ 200 टर्न्स कॉइल व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट इटसेल्फ, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, जो सेल्फ इंडक्टेंस है ऑफ कॉइल की वो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 4 एम्पियर इन इट, इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर की करंट है। पिछले क्वेश्चन जैसे ई के दो फॉर्मूलाज लगेंगे ना। हाँ, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखना है सबसे पहले। देखो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है आपका, डी फाइव बाई डी टू, नहीं, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स एन होता है, फाइ एन फाइ जो होता है वो किसके इक्वल होगा, एल आई के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कॉयल दी हुई है ना उसकी टर्न जो है सेल्फ इंडक्टेंस वाली है, मतलब सिंगल कॉयल है, तो ऐसे केस यस। में एल जो है, और डी टी और डी टी कट गया ना इसमें। बिल्कुल, और नंबर ऑफ टर्न्स देखो कितनी है, 200 है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 आप पहले यहाँ पे मेंशन कर दो, इनटू यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो देख ही लेंगे, और ये क्या, और इसके साथ कुछ और दिया हुआ है, देख लो एक बार, यहां से पहले आप एल निकाल लो, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फाइव बाय आई, ये आ जाएगा, और ये एन की जगह पे जैसे मैंने बोला 200 ले लो, इंटू फाइव की वैल्यू 8 × 10⁻⁴ है, अपॉन में करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर की, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 2 = 8 कर लो, तो 2 × 2 = 4, 400, 400 × 10⁻⁴, मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4 × 10⁻²H, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हो पूछा जा रहा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉयल इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स जो दी हुई है 40 mW की प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। तो अब इसमें आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, फाई इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू आप फाई अपॉन आई लगा सकते हो, फ्लक्स आपके पास 40 का है, मिली वेबर में है, तो 10⁻³ कर लो, वेबर में चेंज हो जाएगा आपका, अपॉन में करंट 2 एम्पियर है, तो ये 20 × 10⁻³ आ रहा है, या फिर आप इसको 2 × 10⁻²H में आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से बड़े सिंपल फॉर्म में अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे थे उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे, और भी फॉर्मूले को हम लोग कंटिन्यू देखेंगे।